नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड मोरा सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू काल हमें आजमगढ़ जिले के खुशनामपुर से हम लोग मौके पर आ चुके हैं। चलिए चल के देखते हैं कहाँ पे और कौन सा सांप है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा यानी कि नाग है। इसे फिटार भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसे गेहुअन भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसका नाम खरीश होता है, जो कि इस घर में, मतलब मिट्टी का घर है, कच्चा घर है, यहाँ पे बैठा हुआ है। और अभी ये बैठा भी है, उसके साथ ही साथ थोड़ा सा फंसा हुआ है भी, मतलब जो इसका पूंछ वाला हिस्सा है वो इस बांस के डंडे में और करकट के बीच में थोड़ा सा फंसा हुआ है। तो इसको पूरी सावधानी से निकालना पड़ेगा ताकि इसे कोई भी चोट ना आए। जिस तरह से हम लोग सांपों को ट्रीट करते हैं या फिर उन्हें रेस्क्यू करते हैं, आप लोग उसको दोहराने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपने अभी देखा है जिस तरह से सांप अटैक कर रहा है, ऐसे आपको स्नैक बाइट भी हो सकता है, मतलब कि सांप काट भी सकता है। हम लोग यह काम करते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा पूरा प्रशिक्षण लिया हुआ है, हमारे पास सांपों से संबंधित पूरी जानकारी होती है। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना प्रशिक्षण बिना जानकारी के कभी भी सांपों को ऐसे ट्रीट करने की गलती ना करें। जाने जाने दो, उसे अलर्ट कर दीजिए उसको। हाँ, छोड़िए छोड़िए, अलर्ट करने दीजिए। अरे संभाल के आराम से। अरे इतने कोई काट रहा है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको रेस्क्यू करने में, लेकिन हमें इसको पूरी तरह से सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करना है, मतलब कि इसे थोड़ी भी चोट ना आए, इसलिए हम लोग पूरा टाइम देंगे, थोड़ी भी जल्दबाजी न करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी करने में हो सकता है इसे कोई चोट आ जाए या फिर हमारे साथ भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हम लोग इस काम में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से अच्छे ढंग से सांप को ट्रीट करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं हमने सांप को बाहर निकाल लिया है, अब हम लोग इसको बाहर की तरफ लेके चलते हैं। सर्दियां कम हो रही हैं और गर्मी का दिन शुरू हो रहा है, मतलब कि अब धीरे धीरे सर्दी खत्म हो रही है और गर्मी शुरू हो रही है, तो सांपों के निकलने की मात्रा में अब बढ़ोतरी होगी। मतलब कि अभी सर्दियों के समय में सांप अपेक्षाकृत बहुत कम निकलते थे, लेकिन अब सांपों का निकलना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कोबरा सांप गर्मियों में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हमारी तरफ कोबरा सांप ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो जब भी आपको जहाँ कहीं भी कोई भी सांप दिखाई दे, आप हमें कॉल करें या फिर अपने सबसे नज़दीकी सर्प मित्र को कॉल करें और उनका सुरक्षित रेस्क्यू करवाएं। कृपया किसी भी सांप को कोई क्षति न पहुँचाएं। और हम लोग अब इसको पैक करेंगे और यहाँ से ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे। अरे यार भाई, इतना बड़ा होके बच्चों ने लज्जत कर पा। खतरनाक
और ये काफ़ी आसानी से सरलता पूर्वक बैग के अंदर पैक हो गया है। इसको बैग के अंदर रखने में हमें थोड़ी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरे गांव के लोग इकट्ठे हैं। हमारा वीडियो, हमारा काम को कैसा लगा कमेंट करके जो है। वीडियो अच्छी रही तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी हम लोग चलते हैं इसको जंगल में रिलीज करेंगे। यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। यह जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, क्योंकि गर्मियों का दिन शुरू हो गया इसलिए कुछ ज़्यादा एक्टिव है। और अब हम लोग इसके सामने से हिलना डुलना बंद कर देंगे। जब भी किसी सांप के सामने आप अगर नहीं हिलते हैं तो उसे अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है, मतलब कि सांपों को कम दिखता है तो वो हिलती हिलती डुलती चीज़ों को ज़्यादा देख पाते हैं। और अगर एक जगह कोई भी खड़ा है तो वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं, जैसे अभी जा रहा है। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का शेयर ही हमारा सपोर्ट है। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।